ये आज का लेक्चर में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है वाटर जग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं वाटर जग प्रॉब्लम को अपन डिफाइन करते हैं और उसको एक ह्यूमन कैसे सॉल्व करेगा वो देखते हैं। तो वाटर जग प्रॉब्लम एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि यू आर गिवन टू जग्स, अ 4 गैलन 1 एंड अ 3 गैलन 1। नीदर हैव एनी मेजरिंग मार्कर ऑन, किसी में कोई मेजरिंग मार्कर नहीं है। देयर इज अ पंप दैट कैन बी यूज टू फिल द जग्स विद वाटर। How can you get exactly 2 gallons of water into the 4 gallon jug? मतलब आपको 2 जग दिए हुए हैं, 4 gallon का एक 3 gallon का, किसी में भी कोई मेजरिंग मार्कर नहीं है। आपको सॉल्व ये, आपको एक पंप दिया गया जिससे आप जग को फिल कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 4 gallon जग में एग्जैक्टली 2 gallon पानी को डालना है, ठीक है। अब किसी ह्यूमन को अगर ये प्रॉब्लम दी जाए तो वो कैसे सॉल्व करेगा, इसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना है, इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। प्रोग्राम हम किसके लिए बनाने वाले हैं, कंप्यूटर के लिए। एक ह्यूमन को अगर हम ये देंगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 3 गैलन जग को पूरा भर लेगा, उसको 4 गैलन में डाल देगा, फिर से 3 गैलन को भरेगा और उसमें से 4 गैलन को भर देगा जब तक कि वो पूरा फिल नहीं हो जाता। अब क्या होगा कि 3 गैलन में कितना बचा, जब एक 3 गैलन में से 4 गैलन में आया, 3 गैलन को आपने पूरा फिल करा और उसको 4 में डाल दिया, तो ये 3 गैलन पूरा इसमें आ गया, मतलब ये 4 गैलन वाले में 3 गैलन पानी आ गया। अब ये खाली हो गया मतलब यहाँ पे 0 बच रहा था। फिर यहाँ पे अपन ने इसको फिर से पूरा फिल करा और फिर इसमें पूरा 3 भरा और फिर इसमें डाला, तो अब इसमें 1 गैलन ही आएगा और इसमें 2 बचेगा। फिर क्या हुआ अपन ने, अब यहाँ पे अपने पास 2 बचा बिना मेजर किए हुए। अब इस 4 गैलन वाले को अपन ने पूरा एम्प्टी कर लिया नीचे पानी उड़ेल के, और फिर इसको जो 2 गैलन पानी बचा वो इसमें अपन ने 4 में ट्रांसफर कर दिया और अपने 4 गैलन जग में 2 गैलन पानी आ गया, ठीक है। तो ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होगी, लेकिन अगर हम कंप्यूटर से इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो कंप्यूटर को हमें इस हर चीज को उसको एक फॉर्मल तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे करना पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टेट स्पेस में इस प्रॉब्लम को बताना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर एक्स वाई लेना पड़ेंगे। वहाँ यहाँ पर x क्या है, x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक है, मतलब ये नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इन 4 गैलन जग है। y जो है वो 0 से लेकर 3 तक है, नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इन 3 गैलन जग। स्टार्टिंग स्टेट है 0-0, क्योंकि 4 गैलन में भी 0 पानी है और 3 गैलन में भी 0 पानी है। गोल स्टेट क्या है, 2n। आपको ये नहीं दिया गया है प्रॉब्लम में कि 3 गैलन में कितना होना चाहिए, तो n मतलब कुछ भी हो सकता है, और लेकिन 4 में कितना होना चाहिए, पहले वाले में 2 होना चाहिए, तो हमें 0-0 से 2n तक निकलना है, जाना है। अब हमें इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्शन रूल्स, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कैसे, ये स्टेट है 0-0, ये दूसरी स्टेट है, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, इसके बीच में बहुत सारी स्टेट्स आएंगी इनिशियल से फाइनल तक, तो वो डिफरेंट स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या रूल्स होंगे, वो हमें एक प्रोडक्शन रूल्स बनाने होंगे, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आपको पता होगा, डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब इस ऑर्डर में ही होना चाहिए ये, पहले x की और फिर y की, पहले 4 गैलन जग की क्वांटिटी फिर 3 गैलन की, और पेयर है ये, एक ऑर्डर है और एक पेयर है, ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो रूल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे 12 रूल्स बताए गए हैं, प्रोडक्शन रूल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। पहला है एक्स वाई टू फोर वाई, एक्स वाई से 4y, इफ एक्स इज लेस देन 4, फिल द 4 गैलन जग कम्प्लीटली, ठीक है। एक्स में कुछ भी वैल्यू हो पहले से, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स को कम्प्लीटली भर सकते हैं हम 4 तक, तब हमें मालूम होगा कि ये, अगर x की वैल्यू, x मतलब पहला वाला जग में जगह खाली है, इसका मतलब ये होता है कि हम उसमें पानी भर सकते हैं, मतलब वो अभी 4 से कम है तो उसको पूरा फिल कर सकते हैं। फिर है एक्स वाई टू एक्स थ्री, मतलब हम दूसरे नंबर के जग को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। फिर है एक्स वाई टू एक्स माइनस टी वाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब एक्स जो है वो 0 से ज्यादा है, ठीक है, तो आप उसमें से कुछ पानी नीचे डाल सकते हैं, ये अजम्पशन है कि हम, ऐसा दिया नहीं गया प्रॉब्लम में कि हम नीचे डाल सकते हैं, पर ये हम एज्यूम करना पड़ेगा कि हम कुछ पानी नीचे डाल सकते हैं, बहा सकते हैं। तो एक्स में से अगर हमने कुछ क्वांटिटी कम कर दी, अगर एक्स में 0 से कुछ भी पानी है, तो एक्स वाई एक्स
y माइनस डी इफ y ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, y में से कुछ पानी नीचे डाल, ये हम फॉर्मली बता रहे हैं ये रूल्स। अगर एक ह्यूमन को समझना है तो हम उसको बोल सकते हैं कि y में से कुछ पानी नीचे डालना है, तो लेकिन हम अगर सिस्टम के लिए बना रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा रूल एक्स वाई से एक्स वाई माइनस डी इफ वाई इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमें क्या करना है, 3 गैलन वाले में से कुछ पानी को नीचे डालना है। एक्स वाई टू जीरो वाई इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स को पूरा खाली कर दो, 4 गैलन को पूरा खाली कर दो। एक्स वाई टू एक्स जीरो इफ वाई ग्रेटर देन जीरो, 3 गैलन को पूरा एम्प्टी कर दो। एक्स वाई टू फोर वाई माइनस फोर माइनस एक्स, अब क्या करा है कि 3 गैलन में से, हाँ इसमें कंडीशन है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, वाई में भी कुछ पानी है और एक्स में भी कुछ पानी है, ठीक है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो ऑब्वियसली 4 से ज्यादा होगा, तो क्या करना है 3 गैलन में से 4 गैलन में पानी डालना है इसमें, ठीक है, इस कंडीशन में, ये वाले रूल में। अब एक्स वाई एक्स माइनस थ्री माइनस वाई थ्री, इसमें क्या करना है 4 में से 3 वाले में पानी डालना है, ठीक है, और उसको पूरा कंप्लीटली फिल करना है ना, यहाँ पे कब तक पानी डालना, जब तक कि जो 4 वाला है वो पूरा 4 तक ना जाए, है ना, उसके बाहर ना जाए, बस वो पूरा फिल हो जाए, यहाँ ये 3 वाला पूरा बाहर हो जाए, फिल हो जाए। फिर है एक्स वाई एक्स प्लस वाई जीरो, एक्स वाई से एक्स प्लस वाई जीरो, इस स्टेट से इस स्टेट में गए, तो यहाँ पे कंडीशन है एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, है ना, एक्स प्लस वाई जो है वो 4 से कम रहेगा, तो क्या करना है वाई में से मतलब 3 गैलन का पूरा पानी एक्स 4 गैलन में डालना है, और यहाँ पर उल्टा है एक्स वाई जीरो एक्स प्लस वाई, 4 गैलन को पूरा खाली करके 3 गैलन में डाल देना, यहाँ कंडीशन ये है कि एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। फिर है ये स्पेशल कंडीशन है जो इस प्रॉब्लम के लिए ली गई है, 0 2 से 2 0, अगर इसमें 2 गैलन पानी आता है तो उसको पूरा इसमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे 2y 2 0y, अगर इसमें 2 गैलन पानी तो उसको पूरा नीचे जमीन पर डाल देना है। तो ये 4-12 रूल्स लिए गए हैं, जिसमें से बाकी 10 रूल जो है वो बहुत ही जनरल है, और 11 और 12 जो रूल है वो स्पेसिफिक है, वो इस प्रॉब्लम के लिए लिया गया है। वैसे हमारी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जनरल रूल्स ही बताएं। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होता है कि हम एक स्टेट लेते हैं इनिशियल स्टेट, उससे हम इस फाइनल, इनिशियल स्टेट हमारी ये है, उससे फाइनल स्टेट तक जाने के लिए हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है, तो देखिए ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर बता रही हूँ, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो हमने सॉल्यूशन में 3 रो 3 कॉलम बनाए हुए हैं, कितना पानी 4 गैलन में है, कितना पानी 3 गैलन में है, और रूल कौन सा हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो रूल भी मैं यहाँ पे बताते जाऊंगी कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले 0 0 है दोनों में, 0 0 से 0 3, मतलब ये रूल नंबर टू क्या था, एक्स वाई से एक्स थ्री, एक्स में कुछ भी हो अगर वाई इज लेस देन 3 है तो फिल द 3 गैलन जग, पंप से 3 गैलन जग को पूरा कंप्लीटली भर दिया, फिर क्या करा इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया 3 2 0, है ना, 3 0 9। अब रूल नंबर नाइन बोल रहा है कि एक्स वाई, रूल नंबर नाइन है एक्स वाई एक्स प्लस वाई जीरो, ठीक है, इफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, तो हमें पता है कि अगर हम इसको एक्स प्लस वाई जो था वो लेस देन 4 था तो इसका पूरा ट्रांसफर कर दिया और 9 नंबर का रूल लगाया, फिर से 3 गैलन को हमने फिल करा, तो अब इसमें तो 3 है और इसमें 3 है, तो फिर से रूल नंबर 2 आ गया, या रूल नंबर 9 था, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर ट्रांसफर करा, अब इसमें रूल नंबर 7 लगाया, रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एक्स वाई 4 वाई माइनस 4 माइनस एक्स, तो ये इसको थोड़ा सा एम्प्टी करा और इसमें ट्रांसफर कर दिया, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाई इज ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन थी, ठीक है, तो 7 नंबर के रूल से हमने इसको डाल दिया इसमें, फिर क्या करा इसको पूरा एम्प्टी कर दिया रूल नंबर 5 के हिसाब से, ठीक है, और यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर 11 और 9 में 9 एक जनरल रूल है और 11 जो है वो एक स्पेसिफिक रूल है, हम चाहेंगे कि जनरल रूल ही अप्लाई हो, तो यहाँ पर ये आप 11 रूल लिखिए या 9, दोनों ही सही है, तो यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं जिसमें से एक सॉल्यूशन ये है, तो हमें बेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर
दिखाना पड़ता है। अब आपको क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसके स्टेप्स यही होते हैं, आपको एक फॉर्मल और मैनिपुलेबल डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम का क्रिएट करना पड़ता है, फिर आप उसका प्रोग्राम लिखते हैं जिससे कि आप फॉर्मल डिस्क्रिप्शन निकालते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑपरेशनलाइजेशन, है ना, ऑपरेशन भी बताते हैं ना आप, ऑपरेशनलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, तब आपका एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक जनरल, हमने क्या करा वो हम बता रही हूँ कि हमें अगर एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन किसी प्रॉब्लम का चाहिए है तो हमने क्या क्या करा, ठीक है। डिफाइन अ स्टेट स्पेस दैट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ द रिलेवेंट ऑब्जेक्ट एंड परहैप्स सम इम्पॉसिबल वंस। इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू डिफाइन दिस स्पेस विदाउट एक्सप्लिसिटली एनम्बरेटिंग ऑल ऑफ द स्टेट्स कंटेन। हमने क्या करा, स्टेट स्पेस पहले डिफाइन करना है, जो हमने स्टेट और स्पेस डिफाइन करा है ना, स्टेट स्पेस मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स आपने डिफाइन कर दी है, ठीक है, क्लियर है। फिर स्पेसिफाई वन और मोर स्टेट विद इन दैट स्पेस दैट डिस्क्राइब सिचुएशन फ्रॉम विच द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में स्टार्ट। दीज स्टेट्स आर कॉल्ड द इनिशियल स्टेट। अब जो आपने स्टेट्स डिफाइन कर लिए डिफरेंट, उसमें से आपको इनिशियल स्टेट बताना जहां से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी सॉल्व होना। फिर करना है स्पेसिफाई वन और मोर स्टेट्स दैट वुड बी एक्सेप्टेबल एज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम देयर, दीज स्टेट्स आर कॉल्ड गोल स्टेट। अब आपको सॉल्यूशन आपको बताना है कि ये वाली स्टेट पे मैं पहुंच गया तो मेरा सॉल्यूशन मिल गया, उसको हम बोलते हैं गोल स्टेट। तो आपको गोल स्टेट बताना है, इनिशियल स्टेट बताना है और बहुत सारी स्टेट्स आपको बतानी है। फिर करना है स्पेसिफाई सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन ऑपरेटर्स अवेलेबल। डूइंग दिस विल रिक्वायर गिविंग द थॉट ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। अब आपको बहुत सारे रूल्स बताना है, आपने बहुत सारी स्टेट्स बता दी, इनिशियल स्टेट उसमें से बता दी, उसमें से गोल स्टेट बता दी, फिर आपको रूल्स बताने हैं। रूल में आपको ये चीजें देखनी है कि आपको कई सारे एजम्पशंस लेके चलने पड़ सकते हैं। फिर आपको जनरल रूल आपको देखना है कि आपके जो रूल हैं वो जनरल होने चाहिए। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ मच ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रोग्राम शुड बी प्री कंप्यूटेड एंड रिप्रेजेंट इन द रूल्स, है ना। आपको पहले से जो रूल में रूल जब आप बता रहे हो तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्री कंप्यूटेशन करने हैं और क्या क्या रिप्रेजेंटेशन करना है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। तो ये होता है, ये एक जनरल चीज बताई मैंने, स्पेसिफिक आपको मैंने वाटर चेक में बताया था। ये जनरल चीजें हैं जो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम स्टेट स्पेस के रूप में निकालते हैं तब हम करते हैं, और उसके बाद ही हम किसी प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।